चौधरी अभय सिंह चौटाला जो INLD चुनकर आते थे 2010 से लगातार, जो 2024 तक वो विधायक रहे हैं, और वो बड़ी मुखरता से अपने जनता के से जुड़े हुए क्वेश्चन, जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न थे, जो समस्याएं थी आम लोगों की, किसानों की, बड़े मुखर तरीके से सरकार के सामने रखते थे और सरकार से जवाब तलब करते थे। हालांकि अब की बार वो नहीं है, लेकिन दो उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो एक ही पार्टी से हैं, वो तो चुनकर आए हैं, लेकिन अब आपने जैसा कहा कि क्या वो उनकी जगह ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सभी 90 के 90 जो विधायक थे उनको आज शपथ जो है वो दिलाई गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज विधानसभा के सत्र हुआ और उसमें 90 के 90 जो विधायक रहे हैं उनको शपथ दिलाई गई। इस बार कुछ नई चीजें हुई, एक सबसे अहम चीज तो यही कि इस बार बहुत सारे जो हैं विधायक वो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहली बार सदन में कदम रखा। दूसरी ओर एक और चीज हुई है, वो ये कि अभय चौटाला जो इनेलो प्रमुख हैं, वो लगातार, अगर मैं बात करूं इसी सरकार की बात करूं तो 2010 से लेकर अब तक की बात भी अगर करूं तो हमेशा विधानसभा में बड़े मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते आए हैं, और हमेशा ये कहें तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके लिए चुनौती बनते आए हैं, लेकिन इस बार वो कहीं भी विधानसभा में नजर नहीं आएंगे क्योंकि इस बार वो जीत नहीं पाए हैं। लेकिन इनेलो के जो दो विधायक जीत कर आए हैं, क्या वो अभय चौटाला की जगह ले पाएंगे? क्या वो ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे जैसे अभय चौटाला ने किया था? हाँ राजेंद्र जी, बड़ा अच्छा विषय आपने आज चर्चा के लिए चुना है जी। और आज जो सभी जो नए विधायक हरियाणा विधानसभा में चुनकर आए हैं उनको प्रोटेम स्पीकर ने विधायक पद की शपथ दिलवाई है, और इससे पहले प्रोटेम जो स्पीकर जो बनाए जाते हैं, एक परंपरा है, उनको हरियाणा के राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में उन प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाई, और डॉक्टर जैसे पिछली बार भी डॉक्टर रघुवीर कादयान को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और उसे पिछली बार भी मुझे लगता है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। इस बार भी जो विधानसभा के नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलवाने के लिए आज प्रोटेम स्पीकर पहले रघुवीर कादयान को बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में सभी जो विधायकों को शपथ दिलवाई, और इसके बाद जो स्पीकर का चुनाव हुआ है, और सारे विधायक जो स्पीकर का चुनाव करते हैं ये परंपरा है, और हालांकि कई बार मतदान होता है लेकिन इस बार सर्वसम्मति से हरविंदर जो कल्याण है उनको स्पीकर चुना गया है, बनाया गया है, और उनके नाम का प्रस्ताव स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने रखा और सर्वसम्मति से उनको स्पीकर के पद पर अरविंद कल्याण को चुन लिया गया है। तो आपने बात की, जैसे अब की बार अभय सिंह चौटाला जो INLD से चुनकर आते थे 2010 से लगातार, जो 2024 तक वो विधायक रहे हैं, और वो बड़ी मुखरता से अपने जनता के से जुड़े हुए क्वेश्चन, जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न थे, जो समस्याएं थी आम लोगों की, किसानों की, बड़े मुखर तरीके से सरकार के सामने रखते थे और सरकार से जवाब तलब करते थे, न केवल मंत्रियों से, न केवल मुख्यमंत्री से, बल्कि कई बार तो उनका आमना सामना जो पूर्व में जो स्पीकर रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, बड़ा आमना सामना होता था, और उसमें जो हालांकि उनके परिवार के एक जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे जी जी, और उनका उनसे भी एकदम आमना सामना बिल्कुल, भले ही वो एक ही परिवार से थे लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े मुखर हो जाते थे उन चीजों को लेकर, बिल्कुल आमना सामना होता था और सरकार के लिए चुनौती खड़ी करते रहे हैं वो। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सरकार में मंत्री थे, उनसे भी कई बार उन्होंने जवाब तलबी की है, जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई जो बातें थी, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हरियाणा में रही हो, और फसल बीमा से संबंधित, किसानों से संबंधित कई मामले, शराब से जुड़े हुए कई मामले पीछे हुए थे, तो उनके बारे में सरकार से जवाब तलबी की उन्होंने, और
बड़े निडर तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, और अब बात अब वो इस विधानसभा में वो चुनकर नहीं आए हैं। हालांकि 2010 में वो पहली बार आए थे, 2010 से ही पहले वो इनेलो की सरकार में विधायक बने थे, 2000 में वो पहली बार रोड़ी से विधायक बने थे, और उसके बाद 2010 में उन्होंने एनएलडी से फिर चुनाव लड़ा तो इलाहाबाद से चुनकर आए, और उसके बाद 2014 में, 2019 में, और उसके बाद 2021 में उपचुनाव में फिर आए वो जी। और अब की बार फिर वो चुनाव मैदान में थे इलाहाबाद से, लेकिन चुनाव हार गए हैं। और उनकी पार्टी के दो विधायक चुनकर आए, एक तो उनके बेटे हैं अर्जुन चौटाला जो रानिया से चुनकर आए हैं जी, और दूसरे जो विधायक एनएलडी से उनकी पार्टी से हैं आदित्य देवीलाल चौटाला जो डबवली से चुनकर आए हैं। हालांकि अब की बार वो नहीं है, लेकिन दो उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो एक ही पार्टी से हैं, वो तो चुनकर आए हैं। लेकिन अब आपने जैसा कहा कि क्या वो उनकी जगह ले पाएंगे, तो वो बड़े चौधरी अभय सिंह चौटाला तो बड़े अनुभवी विधायक थे, क्योंकि 4-5 बार के विधायक बने हुए थे और इनेलो के प्रेसिडेंट भी थे, सारी गतिविधियों का पूरा प्रदेश में उन्होंने दौरा किया हुआ था, और सभी लोगों की बात, सभी लोगों की समस्याओं से वो वाकिफ थे, और सभी जो सभी वर्गों की जो समस्याएं थी होती थी उनको अच्छे तरीके से विधानसभा में रखते थे। लेकिन अभी ये दोनों जो उनके परिवार से उनके बेटे अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला आए हैं, वो पहली बार विधानसभा में आए, इनको बहुत काम करना पड़ेगा विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला की जगह लेने के लिए, उस जैसे मुखर तरीके से क्वेश्चन रखने में उनको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और बहुत तैयारी करके अगर आएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से वो जन समस्याओं को, आम लोगों से जुड़ी हुई जो सवाल हैं विधानसभा में उठा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तो आज तो सिर्फ और सिर्फ एक वो ही था, शपथ समारोह था कह सकते हैं। देखिए उसी परिवार से हैं दोनों, मैं दिवाली को कहीं ना कहीं, दिवाली के बाद एक जो एक जो सुचारू रूप से सत्र का आरंभ होगा जो चलेगा उसमें पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि ये दोनों उसी परिवार से हैं, और कहीं ना कहीं ये परिवार जो है अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से रखने में ये परिवार जो है जाना जाता है उन चीजों के लिए। तो अब इसके साथ साथ इस बार एक और चीज हुई है मेरा साहब, कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे हम बंसीलाल की बात करें या हम देवीलाल जी की बात करें या हम बात करें भजन लाल की, तो बहुत सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके जो वंशज, ये कहें भी तीसरी या चौथी पीढ़ी है, उसमें से भी बहुत से जो इस बार चुनकर विधायक जो हैं वो आए हैं। तो मुझे एक चीज और बताइए, जैसे अभय चौटाला की भी हमने बात की, वो क्या होता था कई बार उनका जो आमना सामना था वो जजपा से हो जाता था, जैसा पारिवारिक सदस्य जब भी आपने बताया, अभी आप बता रहे थे कि उनका अक्सर रंजीत चौटाला से या दुष्यंत चौटाला से इनसे आमना सामना हो जाता था, और बड़े मुखर तरीके से ये अपने सवाल रखते थे। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि देवीलाल परिवार जो है वो तो इस बार नजर नहीं आएगा, तो कैसा रहेगा इस बार का सिस्टम? देखिए अब की बार इस बार है जो विधानसभा में इस तरह का माहौल मुझे लगता है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल परिवार से जो दो विधायक चुनकर आए हैं वो एक ही पार्टी से आए हैं। पहले जैसे आपने बताया इससे पिछले विधानसभा में जो अलग अलग पार्टियों से थे, हालांकि चौधरी रणजीत सिंह भी थे, हालांकि वो सरकार में थे लेकिन वो इंडिपेंडेंट चुनकर आए थे। उधर चौधरी अभय सिंह चौटाला एनएलडी से, और दूसरी तरफ जो सरकार दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल थे जी। और अक्सर चौधरी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला का सरकार को लेकर और जनता की समस्याओं को लेकर आमना सामना होता रहा, यहाँ तक कि कई बार तो दोनों इंडिविजुअली रूप से भी कहीं कहीं आते आमने सामने होते दिखाई दिए। लेकिन अब की बार मुझे लगता है इस प्रकार की का जो वो सीन है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य हैं वो एनएलडी पार्टी से। और अब की बार खास बात अब की बार ये है कि अब की बार 5 जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पड़पोते, पोते और पोतियां विधानसभा में आए हैं अब की बार जी। पांचों की हम बात करें जो आरती राव हो गई, राव वीरेंद्र सिंह जी, राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी उनकी
पोती आरती राव विधानसभा में आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद श्रुति चौधरी जी विधानसभा में पहली बार आए, हालांकि वो सांसद रही पहले। हाँ जी बिल्कुल ठीक, चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, और उसके अर्जुन और आदित्य चौटाला जो जो देवीलाल के पोते हैं, हालांकि अर्जुन चौटाला तो जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं उनके उनके पोते हैं जी, और देवीलाल के चौधरी देवीलाल के पड़ पोते हैं, और आदित्य देवीलाल चौटाला की हम बात करें तो आदित्य देवीलाल चौटाला चौधरी देवीलाल के पोते हैं, और अब की जो पहली बार वो आदित्य देवीलाल चौटाला डबवाली से चुनकर आए हैं। इसी प्रकार से चौधरी भजनलाल परिवार की बात करते हैं तो चंद्रमोहन पंचकुला से विधायक बने हैं, तो इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पांच जो मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं उनके पड़पोते पोते और पोतियां इस बार विधानसभा में एंट्री उन्होंने की है। लेकिन जहां एक कहीं ना कहीं पारिवारिक युद्ध नजर आता था विधानसभा सत्र में, वो शायद इस बार देखने को नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक आपस में जो परिवारों का टकराव जो विधानसभा में होता जी था, वो कम से कम वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जो अर्जुन चौटाला आदित्य चौटाला को छोड़कर सभी अलग अलग पार्टियों से, ये दो ही NID के जो दो MLA बन सदस्य बने हैं वो सिर्फ एक चौटाला एक पार्टी से हैं, तो इसलिए मुझे लगता है परिवार का आपस में टकराव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भव्य बिश्नोई हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो हार गया। अगर भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आते तो चंद्रमोहन और भव्य बिश्नोई कहीं ना कहीं उनका टकराव स्वाभाविक है कि होना, विधानसभा में देखने को मिलता, लेकिन ऐसा होगा नहीं अब की बार मुझे लगता है जी। तो ये इस तरह की जो और बहुत से अब की बार सदस्य, कई सदस्य 40 जो विधानसभा सदस्य हैं जो विधायक हैं वो 40 पहली बार इस विधानसभा में चुनकर आए हैं, और उनको वो किस प्रकार से उनमें से कई मंत्री भी बने हैं, और कई किस प्रकार से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे सरकार की बात को, जो विपक्षी विधायक हैं उनके क्वेश्चनों का उनके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे पाएंगे, तो आगे आने वाली समय में पता चल पाएगा जब एक मतलब विधानसभा सत्र का की शुरुआत होगी। आज तो केवल शपथ के लिए विधानसभा सत्र जो बुलाया गया था जी था। विधानसभा की बात करें और विधानसभा स्पीकर की बात ना करें तो ये नहीं हो सकता, तो अभी जो हरविंदर कल्याण है उनको विधानसभा स्पीकर बनाया गया, इससे पहले ज्ञानचंद गुप्ता जो दो बार स्पीकर रहे हैं विधानसभा के। देखिए जो विधानसभा स्पीकर का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा निष्पक्ष पद होता है, सभी पार्टियों को मैनेज करना होता है उन्होंने, तो हरविंदर कल्याण जो है उनको आप किस तरह देखते हैं, क्या वो इसको निष्पक्ष तरीके से निभा पाएंगे? बिल्कुल, विधानसभा जो अध्यक्ष है उनका एक निष्पक्ष पद माना जाता है जी। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो किसी पार्टी से उनका लगाव नहीं रहता, ये अक्सर कहा जाता है और होता भी यही है। विधानसभा में किस प्रकार से जो अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के और पक्ष के जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से उनको समय देना, किस प्रकार से उनका सवाल जवाबों का समय रखना है, जीरो आवर कितना रखना है, और कितने विधानसभा के कितने जो विपक्ष में जो विधायक हैं उनको किस प्रकार से तरतीबार सीनियरिटी के हिसाब से और जूनियरिटी के हिसाब से और किस प्रकार से उनको उनका समय निर्धारित करना है, जनता से जुड़े हुए जो क्वेश्चन वो विपक्षी पार्टियों के विधायक जो पूछते हैं उनके बारे में, और मर्यादा को बनाए रखना, सारी मर्यादाओं को और विधानसभा की मर्यादा को बनाए रखना, विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका महत्वपूर्ण रोल होता है जी। ये और मुझे लगता है इस बार जो पिछली बार दो बार ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उनका कार्यकाल एक सफल कार्यकाल, उनके जो 10 साल का कार्यकाल है उनके विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सफल कार्यकाल उनका कहा जा सकता है जी। और हरविंदर कल्याण जी पढ़े लिखे हैं, हालांकि वो इंजीनियरिंग साइड से हैं, बीटेक मुझे लगता है उन्होंने किया हुआ है, और तीसरी बार जो विधायक वो चुनकर आए हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है लेकिन वो जीत नहीं पाए थे उस पार्टी से जो उम्मीदवार थे, जब 2009 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके बाद 2014 में वो बहुजन समाज पार्टी से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और उसके बाद 2014 में 2019 में अब 2024 में वो तीसरी बार
विधायक चुनकर आए हैं और काफी विधायक के रूप में काफी उनका एक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेशन पीले पीछे वो चेयरमैन भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में भी उनका काफी अनुभव है, मुझे हो चुका है और पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष रूप से उनको महत्वपूर्ण भूमिका वो अपनी जो है निभा पाएंगे और सुचारू रूप से जो एक डेकोरम है होता है विधानसभा का उसको बेहतर तरीके से उसका विधानसभा को के सत्रों को आगे संचालन करने में उनको संचालित करने में अच्छी भूमिका उनकी रह सकती है। जी सो दोस्तों आज हरियाणा के 90 विधायक जो थे उनको शपथ दिला दी गई, उन्हें ईमानदारी की निष्ठा की और अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से करने की आज उनको शपथ दिलाई गई और आगे विधानसभा में पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या रोल अदा करते हैं, कितना ये हरियाणा के लोगों के लिए अच्छे होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इन सब चीजों को जानने के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेहरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।